नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। 24 का चक्रव्यूह आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं और हर एक सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता आपको नजर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का चक्रव्यूह। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, जो कि इन दिनों सियासी चर्चा का केंद्र बन गए हैं। पहले बीजेपी में जाने की अफवाह उड़ी और इसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ने की अफवाहों का खंडन हो गया, तो अब राज्यसभा जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। ये खबर पुख्ता होती कि ठीक इससे पहले कांग्रेस के अंदर ही मध्य प्रदेश से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने की मांग उठने लगी है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नाथ को पार्टी के अंदर से ही चुनौती मिल रही है। देखिए खास रिपोर्ट। क्या कांग्रेस के अंदर कमलनाथ की हालत ठीक नहीं है? क्या दूसरे गुट नाथ पर नकेल कसने के लिए चाल चल रहे हैं? क्या सोनिया का नाम आगे बढ़ाकर नाथ का रास्ता रोका जा रहा है? क्या आप कमलनाथ राज्यसभा जाने की राह बना पाएंगे? ये वो सवाल है जो अचानक से मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ को लेकर पूछे जाने लगे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पूरी कांग्रेस एक सुर में राज्यसभा के लिए सोनिया के नाम का राग गाने लगी है? दरअसल पिछले दिनों कमलनाथ दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले थे, जिसके बाद खबरें ये आई कि कमलनाथ ने राज्यसभा जाने की ख्वाहिश जताई है। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर से ही दूसरी तरह की आवाजें उठती दिख रही हैं। सबकी मंशा एक है कि अगर सोनिया जी राज्यसभा जाए तो वो मध्य प्रदेश से जाए। अगर मध्य प्रदेश से जाएगी तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो देश में प्रधानमंत्री का पद भी जिन्होंने त्यागा है, अगर वो यहाँ से जाएंगे तो हमारा सौभाग्य बनेगा। ये तो आपकी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी अगर पार्टी चाहेगी तो बिल्कुल पार्टी के लिए खड़े। ये तो मध्य प्रदेश के जनता के लिए खुशी की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है यदि आदरणीय सोनिया गांधी जी यहाँ से चुन करके जाती है। कांग्रेस संगठन के मुखिया और नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के बयानों के बाद नाथ के राज्यसभा जाने को लेकर संदेह की स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस के अंदर से नाथ पर हुए इस वार पर बीजेपी चुटकी ले रही है। ये कांग्रेस की वास्तविक और आंतरिक स्थिति को दर्शाता है कि कांग्रेस में ना तो उनके शीर्ष नेता को लेकर एक मत है और ना ही प्रदेश के नेता को लेकर एक मत है। कांग्रेस में वास्तव में आंतरिक कलह इतनी चरम पर है, जिसका परिणाम ये भगदड़ के रूप में सामने आ रहा है। और उनमें से ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी की संस्था लेने का बहाना ढूंढ रहे हैं। विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस के नाथ रहे कमलनाथ अचानक से पार्टी के अंदर अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। उनके बीजेपी में जाने की अफवाहें कभी जोर मारती हैं तो कभी विधानसभा से मोह भंग की। राज्यसभा जाने की खबरें भी आईं, लेकिन अंदर से ही सोनिया के समर्थन की आवाजें उठी, जिसे राजनीतिक पंडित कमलनाथ के विरोध के रूप में देख रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जीतू विधानसभा हारने के बाद खुद राज्यसभा जाना चाहते हैं, शायद यही वजह है कि नाक पर अंदर से वार हो रहे हैं। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुनबे की कला से जूझ रही है। इसको लेकर एक बार फिर से सोमवार को बड़ा झटका पार्टी को लग गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को झाबुआ में एमपी कांग्रेस में मची भगदड़ पर जमकर चुटकी ली। एमपी बीजेपी मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने पर तेजी से आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस का इसको लेकर कहना है बीजेपी का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ पार्टी नहीं विचारधारा है। सुना है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी मची हुई है। झाबुआ दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एमपी कांग्रेस में भगदड़ की बात कही थी। रविवार को पीएम के बयान का असर 24 घंटे के अंदर ही देखने को भी मिल गया। सोमवार को इसी कड़ी में कांग्रेस के दो नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ले ली। टीकमगढ़ से पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार और विदिशा के जिला अध्यक्ष राकेश कटारे ने भगवा रंग में रंगने का फैसला कर लिया।
प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई, तो वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को तेजी से आगे भी बढ़ा रही है और इसी के चलते वो कांग्रेस नेताओं का बाहें फैलाकर स्वागत कर रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस एक विचारधारा है, पार्टी खत्म हो सकती है लेकिन विचारधारा नहीं। अब कांग्रेस एक ऐसा डूबता जहाज है कि कोई भी उस डूबते जहाज में रहना नहीं चाहता। कांग्रेस की देश में स्वीकारता खत्म हो रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर और अन्य राजनीतिक दलों के अंदर भी जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ, हमारी विचारधारा के साथ जुड़ते हैं, तो उनका स्वागत है। वो उनकी कोरी कल्पना है, कांग्रेस मुक्त कभी ना हो सकती ना हुई है। कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस एक विचारधारा है, पार्टी अलग बात है, लेकिन कांग्रेस हमेशा रहेगी। कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया, कांग्रेस ने देश में संविधान बनाया, कांग्रेस ने प्रजातंत्र स्थापित किया और इन मूल्यों को कोई समाप्त नहीं करता। जो मूल्य रहेंगे तब तक कांग्रेस रहेगी। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का कुनबा जिस तरह से टूट रहा है, उससे उसकी लोकसभा की तैयारियां तो प्रभावित हो ही रही हैं, साथ ही कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने यदि जल्द ही नेताओं के एग्जिट प्लान पर रोक नहीं लगाई तो 24 की लड़ाई उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और इधर मध्य प्रदेश की सियासत में लोकसभा चुनाव से पहले ऑफर पॉलिटिक्स जमकर चर्चा में है। पूर्व लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन को अब कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेताओं ने ताई को एक खत लिखा जिसमें कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने तक की पेशकश की गई है। देखिए खास रिपोर्ट। 24 से पहले तैयार हो रहा सियासी रण। पहले ताई ने दिया नाथ को निमंत्रण, अब ताई को कांग्रेस से आमंत्रण। मध्य प्रदेश में दल बदल का खेल जारी है और इसी बीच अब 8 बार की सांसद और पूर्व लोकसभा स्पीकर को कांग्रेस ने पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता विवेक खंडेवाल ने पत्र लिखकर सुमित्रा महाजन को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया और कहा कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े। हमारी ताई ने 2 दिन पहले माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, को एक पत्र लिखा था कि आप जय जय श्री राम के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। तो आज हमने उनको एक पत्र लिखा है और पत्र में हमने माननीय ताई से मांग करी है कि आप जय जय श्री राम और जय संविधान के नारे के साथ कांग्रेस ज्वाइन करें और इंदौर से लोकसभा का चुनाव लड़े। तो हमारा ऐसा मानना है कि ताई लोकसभा की अध्यक्ष रही है और संविधान को वो सबसे ज़्यादा जानती है, और अगर वो संविधान को जानती है और संविधान की रक्षा के लिए अगर वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करती है तो निश्चित रूप से हम केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे कि उनको इंदौर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। दरअसल ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, इसकी शुरुआत सुमित्रा महाजन के एक ऑफर के बाद हुई। सुमित्रा महाजन ने जय श्री राम के नारे के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ को बीजेपी में आने का ऑफर दिया था और इसी के बाद कांग्रेस ने उन्हें ऑफर दे दिया। यहीं से ये ऑफर वाली सियासत शुरू हुई है, लेकिन अब इस पर भी सियासत हो रही है। दरअसल कांग्रेस ने सुमित्रा महाजन को ऑफर दिया तो बीजेपी ने जमकर पलटवार किया है। कांग्रेस के कुछ छुटबैये नेताओं ने आज एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा है सुमित्रा महाजन जी कांग्रेस की प्रत्याशी बन जाए, इंदौर की लोकसभा का हम प्रत्याशी बनाने को तैयार है। अब पहले ये तय तो कर ले कांग्रेस में टिकट कौन बांटेगा। सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के, जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह कौन बांटेगा। अब क्या कांग्रेस अध्यक्ष भी छोड़ के अब इस तरह के छुटबैये कार्यकर्ता चिट्ठी लिख रहे हैं प्रत्याशी बनाने की बात कर रहे हैं? क्या इनको अधिकार है किसी को प्रत्याशी बनाने का? क्या कांग्रेस पार्टी ने इतने छुटबैये अपने कार्यकर्ताओं को अधिकार दे दिया कि वो टिकट तय करें? लोकसभा चुनाव का मौका है, ऐसे में ऑफर पॉलिटिक्स के जरिए कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे को टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अभी मौका भी है और चला चली की बेला भी, तो सियासत में ऐसे खेला होते रहेंगे। पीयूष पारी, बंसल न्यूज, इंदौर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 24 का चक्रव्यूह। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के सत्र में एक के बाद एक करके बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमले बोल रही है। हवाई यात्रा की बात हो,
राम वनगमन पथ की बात हो, ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बीजेपी लगातार नजर आई और अब बीजेपी ने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। बीजेपी जहां कांग्रेस को लालची गिद्ध बता रही तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर तीखा वार कर रही है। देखिए रिपोर्ट। पीआरडीएफ से 19,136 करोड़ रुपए का राज्य को प्राप्त होना है। इस राशि के प्राप्ति हेतु अभी तक राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और अभी तक राशि प्राप्त नहीं होने के क्या कारण है, कब तक प्राप्त हो जाएगी? छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला के इस सवाल ने ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के चिराग को जैसे फिर से खींच दिया हो। इससे निकले सियासी जिन ने सदन के साथ प्रदेश के सियासी गलियारों में तपिश बढ़ा दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। चौधरी ने कांग्रेस को लालची गिद्ध बताते हुए ओपीएस के जरिए कर्मचारियों के 19,136 करोड़ रुपए खाने की नियत का आरोप मढ़ दिया। अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन राज्य सरकार ने एनपीएस के सिस्टम को समाप्त करके ओपीएस का सिस्टम लाया। कर्मचारियों के लिए कौन सा उनको अच्छा लग रहा था, कौन सा बुरा लग रहा था, ये तो अलग प्रश्न है, बट मुझे लगता है कि तत्कालीन सरकार की गिद्ध दृष्टि थी 19,136 करोड़ रुपए पर और वो चाहते थे कि वो पैसा को ले लिया जाए, उस पैसा को ले लिया जाए और उसको खत्म कर दिया जाए। ओपी चौधरी ने बताया कि एनपीएस के तहत पेंशन में सरकार को 10% देना होता है जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार नहीं देना चाहती थी। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाए तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम थी। आदमी 30 से 35 साल सरकार की सेवाओं में देता है, अपना पूरा जीवन सरकार की नीतियों को क्रियान्वयन में, सरकार के कार्यक्रमों को क्रियान्वयन में अपने गुजारता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग सरकार की सेवाओं में रहते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, उनके पेंशन स्कीम का फायदा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर ये खत्म करती है तो वो कर्मचारियों के हितों के साथ कुठाराघात होगा। विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के संकल्प पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ा दाव था जिसे पार्टी ने जोर शोर से जनता के सामने उठाया। कांग्रेस ने रणनीति के तहत करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों को साधने की भी कोशिश की। सियासी पंडित भी कांग्रेस के इस दाव को मास्टर स्ट्रोक मान रहे थे, पर जब नतीजे आए तो ओल्ड पेंशन स्कीम के पैरोकारों के साथ ही कांग्रेस के हाथ भी खाली रह गए। अब सत्ता पर काबिज बीजेपी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये दाव कितना सटीक बैठेगा और कांग्रेस बीजेपी के इस वार से कैसे बचेगी, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और इधर छत्तीसगढ़ में अब सरकार बदलने के बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक बार फिर से सुर्खियों में है, जिसकी गूंज सोमवार को विधानसभा में सुनाई दी। इस दौरान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुए कामों की भी जांच का ऐलान हो चुका है। सदन की कार्यवाही में ध्यानाकर्षण के दौरान जमकर बंदर बांट के आरोप लगे हैं। किसने क्या कुछ कहा, रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर और नया रायपुर के विकास के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। करोड़ों की राशि खर्च होने के बावजूद ये पूरा प्रोजेक्ट ही विवादों में घिर गया। सोमवार को विधानसभा में बीजेपी विधायक राजेश मूढ़त ने ध्यान आकर्षण के जरिए ये मुद्दा उठाया और कई आरोप लगाए। जो भी प्रोजेक्ट है, जिन प्रोजेक्ट में जो मूल आवश्यकता थी वह ना कर करके जिसमें प्रॉफिट हो सकता है वह ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए गए। रायपुर शहर में वृक्षारोपण कहीं देखने को नहीं मिलता 8 करोड़ रुपए, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के लिए 200 करोड़ के ऊपर खर्च कर दी, मल्टी लेवल पार्किंग बनी लेकिन पार्किंग का उपयोग नहीं हो रहा, वहां ऑफिस लग रहे। दोनों मंत्री महोदय के प्रति और सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने रायपुर शहर को विकसित प्लानिंग के बसाने के लिए जो 1,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में गड़बड़ियां हुई है उसकी जांच की घोषणा की है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। विपक्ष में रहते हुए राजेश मूढ़त ने कई बार आवाज उठाई थी, साथ ही 13 दिनों तक अनशन पर भी बैठे थे। मूढ़त के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने अब तक किए गए कामों की जानकारी दी, जांच का ऐलान किया और संचालक को निरस्त करने का भी ऐलान कर दिया। राजेश मूढ़त जी ने बहुत सारे विषयों को रखा है,
तो हम लोग हमने सदन में कहा है कि उनके जो भी कंसर्न हैं चौपाटी को लेकर, विशेष करके उनका बिंदु था, तो उसकी नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से, नगर निगम की ओर से उसे जांच करा के माननीय सदस्य से चर्चा करके उस अनुरूप जो गलत हुआ है उसके अनुरूप कार्रवाई करने किए जाने की घोषणा सदन में की गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ती रही है और अब इस मुद्दे पर जांच का ऐलान भी कर दिया गया है। ऐसे में प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ी और अनियमितता की जांच के दायरे में कौन कौन आता है और किसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। गौरव शुक्ला, वंसल न्यूज, रायपुर। और चलिए बात करेंगे बस्तर के सियासत की, जो कि आदिवासियों के बिना अधूरी है। आदिवासियों के इर्द गिर्द ही सियासत का पहिया घूमता है। मौका 24 की जंग का है तो आदिवासियों का जिक्र होना भी लाजमी है। दशकों से सरकार बनाने और गिराने वाले ये ही आदिवासी आज भी वैसे हैं जैसे दशकों पहले हुआ करते थे। हालांकि पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं और चुनाव से पहले इन दावों और वादों की संख्या में लगातार भरमार देखने को मिले। देखिए खास रिपोर्ट। बस्तर सियासत का वो केंद्र जिसके केंद्र में आदिवासी बसते हैं। यहाँ आदिवासियों के बिना ना तो सत्ता बनती है और ना ही समीकरण बिगड़ते हैं। आदिवासी बाहुल्य ये इलाका हमेशा पार्टियों के लिए अहम रहा है। यहाँ का आदिवासी वोटर पार्टियों की प्राथमिकता में रहा है, लेकिन शायद आदिवासियों की बेहतरी के लिए जितने कदम उठाए जाने थे वो नहीं उठाए गए। यहाँ का ज्यादातर हिस्सा नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहा है। बीजेपी का कहना है कि हिंसा का रास्ता छोड़कर माओवादियों को मुख्य धारा में लौटना चाहिए, ये आदिवासियों और इलाकों की बेहतरी के लिए जरूरी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि रोजगार के अवसर पैदा करके ही आदिवासी इलाकों का विकास किया जा सकता है, इससे पलायन रुकेगा और आदिवासी युवाओं को भटकने से रोका जा सकेगा। परंतु ये बात भी सही है कि जब नक्सली मारते हैं तो जानबूझ के मारते हैं, फिर वो कोई आदिवासी है या गैर आदिवासी इस पर विचार नहीं होता, और नक्सली चुन चुन के मारते हैं, बदला लेने की नीयत से मारते हैं और जिनके ऊपर उनको संदेह होता है उसको मारते हैं। पुलिस के गोली से भी इत्तेफाकन कभी कोई घटना ऐसी घटित हो जाती है, लेकिन इस दोनों बात का ध्येय में अंतर है। सोल्यूशन ये है कि आज जो नक्सली जो है मूलधारा में आए, उनके लिए शासन की बहुत सारी योजनाएँ हैं, वो सामने आए और अपना जो हिंसक जो कार्यप्रणाली है उसका त्याग करें। ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे नक्सली मरे या पुलिस मरे या जनता मरे, मरता तो आदिवासी है। तो आदिवासी के जितने भी संगठन हैं, समाज प्रमुख हैं, इन सबको सरकार से मांग करनी चाहिए कि आप युवाओं को रोजगार दो। युवा बेरोजगार रहेंगे, या तो वो नक्सली रहेंगे या तो नक्सलियों के नाम पर मारे जाएंगे, चाहे वो पुलिस के हाथ हो या पुलिस का आदमी है बोल के नक्सलियों का हाथ है, मरना तो युवा को है ही। बीजेपी कांग्रेस की बातों और सुझावों से इतर आदिवासी नेताओं की चिंता इस बात को लेकर है कि सरकार प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर इलाकों को खाली करवा रही है। सरकार में बैठे लोग समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ नक्सलियों को कोसने का काम कर रही हैं। हम दोनों तरह से पिसा रहे हैं ना, तो एक बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार को कम से कम सामने आना चाहिए। अगर वो खरीज भंडार निकालता है तो बिना संपत्ति के नुकसान के, बिना जनमल के नुकसान के बगैर वो निकाल सकती है, बैठ के तो बात कर सकती है ना। ये पिछले दरवाजा से आप लीज दे देंगे तो ये संभव नहीं है ना। यहाँ की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए यहाँ पेशा नियम लागू है, तो पेशा के तहत क्या है, आप ग्राम सभा के प्रस्ताव पास कराएं, ग्राम सभा से प्रस्ताव हो जाता है तो आप आसानी से ले सकते हैं। आप डरा धमका के पुलिस के बल में आप लीज ले करके और काम करवाएंगे तो ये संभव नहीं। जल, जंगल और जमीन पर हक की चाहत रखने वाले आदिवासी सीमित संसाधनों के बीच जीवन यापन के महारथी हैं। अगर नक्सल समस्या पर नकेल कस ली जाए तो आदिवासियों के साथ ही दूसरे वर्ग के लोगों के लिए भी बस्तर स्वर्ग से कम नहीं। एक बार फिर चुनाव का वक्त है, ऐसे में बेहतरी की उम्मीदें फिर जागी हैं। अब देखना होगा कि 24 की जंग में पार्टियां सिर्फ आश्वासन देती हैं या फिर ये चुनाव आदिवासियों की जिंदगी में नया सवेरा लेकर आएगा। रजत वाजपेयी, वंसल न्यूज, जबलपुर। और इसके साथ ही 24 के चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिव खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए। नमस्कार।